सो गाइस आप देख सकते हो अभी हम चाय पी के यहाँ से निकल रहे हैं, चाय सबने पी लिया है और ये पब्लिक रिएक्शन देखो, सामने बैठ के लोग हमें देख रहे हैं एंड ताज भाई अपने हार्ले पे गाना सुनते हुए मस्ती में निकल रहे हैं। ताज भाई की एग्जॉस्ट अपग्रेड होने के बाद इसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही प्यारी हो गई है एंड आई रियली लव साउंड ऑफ हार्ले। हार्ले की अब असली आवाज़ फील हो रही है। किलोमीटर अभी स्ट्रेट जाना है। ये देखो आप सामने ताज भाई, नंदू पीछे बैठा हुआ है सुमित भाई के, और इसको आप देखो बैठने के बाद ये पकड़ने का एक ऑप्शन मिल रहा है अपाची 310 RR में, जो कि एक अच्छी चीज़ है जो कि मेरे बाइक में ऑप्शन नहीं मिलती है बैठने की। और ये भाई साहब का नंबर प्लेट तक नहीं लगा है, 1000 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। पूछता हूँ इनसे कि इनका नंबर प्लेट का क्या इशू है। ओ भाई साहब क्या फॉग एरिया है यार। एंटर जो हमने किया तो ऐसा फील हुआ जैसे बादलों के बीच में हम घुस रहे हैं और जस्ट नवंबर की स्टार्टिंग है ये और इतनी फॉग। एक्चुअली क्या है कि ये अंडर डेवलप्ड एरियाज में जो ठंड है वो ज़्यादा होती है और उसके कारण जो फॉग है वो भी ज़्यादा बनता है। अभी हमें 7.6 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है इस वाले रोड पे और उसके बाद हमें टर्न लेना है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड तेनुघाट डैम हम क्रॉस करते हुए और आगे बढ़ेंगे। ये कुछ क्रेजी पब्लिक हमें देखकर खुश हो रही थी एंड ये देखो अब विथ पिनियन राइड करना डिफ़िकल्ट होता है, उसकी अपनी वेट के साथ साथ पीछे वाली की भी वेट अपने ऊपर ही आ जाती है एंड ख़ास करके इन बड़े बाइक्स में जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी ब्रेकिंग जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप जैसे ही थोड़ा भी ब्रेक अप्लाई करो आपके खुद के हाथ में पूरा का पूरा प्रेशर आता है। ताज भाई हमारे अपने हार्ले पे आप देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं। ये छोटी सी हाइट है बाइक की और उस वजह से ये घुस के क्रूज करते हुए यार अलग फीलिंग है। हार्ले डेविडसन का अलग क्रेज़ है। रोड अपीयरेंस जो है वो भी बहुत हाई है। हार्ले डेविडसन के लोग घूर घूर के देखते हैं इसे, बट राइडिंग का जो कॉन्फिडेंस है भाई साहब, मैं तो वो भी चलाया हूँ और ये भी चलाता हूँ, अपनी BMW की जो कॉन्फिडेंस है राइडिंग में वो अलग ही है यार। एंड कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा फील होता है ऑन माय डिसीजन कि मैंने एक क्रूज़र बाइक नहीं लेकर एक रोडस्टर मॉडल लिया, एक स्पोर्ट्स रोडस्टर लिया। एक इधर से भी टर्न है, एक आगे से भी रास्ता है, एक टर्न उधर से भी है। उधर से जाना आगे से, अच्छा गाइस छोटा सा कंफ्यूजन है, एक्चुअली था अब नहीं रहा। डॉट नंदू का इज आवर रोड मैप एक्चुअली। बहुत बार जब हमें गूगल मैप पे नहीं भरोसा होता है तो वो हमारा मैप बन जाता है क्योंकि वो जो बंदा है वो इन एरियाज में बहुत घुमा हुआ है और इज़ अ फोटोग्राफर, तो ये नॉर्मली अपने शूट के लिए इन सारे प्लेसेस पे आता रहता है, तो ही हैज़ अ आइडिया ऑफ ऑल दिस प्लेसेस। और भाई साहब दैट्स अ सनराइज आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये वही सनराइज है खूबसूरत सा जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था कि आई विल शो यू एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंस अबाउट इट। ये देखो आप, ये सामने दिख रहा है भाई, क्या प्यारा सूरज दिख रहा है यार, मैं क्या बताऊँ आपको। तो
250 meters, 200 meters, 90 meters more, and we have a left turn. So where is that left turn? I have no idea, yaar. ये भाई, ये एक अलग से एनर्जी दे दिया है आज का राइड. आई थिंक कि इसके बाद जो हमारा ब्रेक हो गया था राइड्स पे, संडे राइड्स पे, वो वापस से एक्टिव होने वाला है. एंड एक जज्बा, एक जोश दे देता है यार ये संडे राइड, ताकि नेक्स्ट संडे राइड वापस से आप वापस से पहुंच जाओ उस संडे राइड के लिए. 1.9 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर. मैं गाइस ज़्यादा बोलता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे को बताओ, विल ट्राई टू स्टॉप डूइंग इट. और ये हम निकल पड़े हैं यूं इस रास्ते पे. ये हम पहुँच चुके हैं अभी तेनूघाट डैम पे, और ये खूबसूरत सा व्यू है. मन तो इसके ऊपर कर रहा है जाने का. तेनूघाट हम पहुँच चुके हैं और रास्ता बंद है, बट हमारे लिए नहीं है. आप देख सकते हो ये पानी है बॉस, जो दिख नहीं रही है. इट्स टू फॉगी आउट हियर, टू मच. अरे रुक कर कुछ फोटोज लेने का कोशिश करते हैं. ऐसे विजन में कुछ भी नहीं है, बट फिर भी हम आपको दिखाते हैं कि इस तेनूघाट डैम में आपको क्या दिखेगा और क्या मिलेगा. तेनूघाट डैम को तो हमने पहले भी क्रॉस किया है, एंड द गेट इज़ क्लोज, इट सीम्स. ऐसा लग रहा है कि गेट बंद है, बट ओके, साइड से थोड़ी सी जगह है खाली, तो यहाँ से हम आगे बढ़ गए ऐसे. और आपको दिखाते हैं तेनूघाट का वो व्यू जो लास्ट टाइम हमने आपको नहीं दिखाया था. ये देखो आप, दिस इज़ द तेनूघाट डैम, एंड लेफ्ट साइड में इधर पानी है. अरे सुमित भाई आगे निकल चुके हैं, रुके नहीं हैं वो. सर चलते हैं, वो तो निकल गए. एक्चुअली ऐसा यहाँ दिख रहा है कि कुछ काम चल रहा है. सुमित भाई यहाँ रुके नहीं और आगे निकल गए. ओरे भाई साहब, क्या रास्ता है नीचे वाला, मज़ेदार. हो गए यहाँ मॉर्निंग जॉगिंग के लिए निकले हुए हैं. द पब्लिक रिएक्शन, बच्चे आके बहुत खुश होते हैं. इन झाड़ों के बीच हम पब्लिक रिएक्शन लेते हुए. आप देख सकते हो पीपल आर गेटिंग क्रेजी, दिस इज अ क्रेजी सिचुएशन गाइस. मजा आ गया यार, पब्लिक यहाँ की जो है वो खतरनाक रिएक्शन दी हमें. और आप देख सकते हो लोग रास्ता खाली कर दे रहे हैं हमारे आज के राइड के लिए. इट्स अ ऑसम फीलिंग मैन, इट्स लाइक यू आर अ हीरो एंड इट वाज योर एंट्री. मजा आ गया दोस्त. भाई साहब रास्ता बंद है, इज इट सो? यहाँ तो हार्ले डेविडसन हमारे ताज भाई का हालत होने वाला है खराब. और ये देखो सामने कुछ पब्लिक खड़ी है. स्ट्रेट स्ट्रेट जाना इधर सर. आगे चलिए. मेरे को ना बहुत लोड पड़ रहा है.
आ जा नंदू, आगे बढ़ते हैं। हाँ पीछे बहुत ऊंचा है। हाँ हाँ, दिस इज द क्रेजीनेस ऑफ द पब्लिक टुडे। और यहाँ से हम निकल पड़े हैं। आप देख सकते हो सामने का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है यार। इट्स नॉट अ रोड वेयर यू शुड राइड लाइक दिस। अगर आपको हाई स्पीड राइडिंग करनी है, गो टू अ ट्रैक, डोंट ट्राई टू डू इट लाइक दिस। और आगे पब्लिक का क्रेजी रिएक्शन आप देखना चाहते हो तो ये देखो। अच्छी क्राउड थी यार इस वाले डैम के रोड पे। लोग अच्छे मतलब काउंट में यहाँ पे वॉकिंग और जॉगिंग करने के लिए आए हुए थे। नंदू इज ट्राइंग टू से समथिंग, क्या बोल रहा है नंदू? आगे बहुत सारे जर्किन है। ओके ओके ओके, सो नंदू जस्ट एक्सप्लेन्ड अस कि आगे बहुत सारा जर्किंग है जो किसी गूगल मैप के बस पे नहीं है बताना गुरु। तो आप समझ सकते हो कि नंदू को साथ में लेकर जाने का कितने बेनिफिट्स हैं हमें। भाई सुमित भाई हमारे नंदू को 10 मिनट आई होप 10 किलोमीटर साथ लेकर चले एंड ही सरेंडर्ड कि बहुत वेट पड़ रहा है। इट्स नॉट ईजी एज आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू बिफोर कि पीछे किसी को बैठा के राइड करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ से भी हमें राइट लेना है और ये पब्लिक देखो आप। बच्चे जो है डर गए यार, एंड ये मुर्गी मर जाएगी तो मुर्गी के बच्चों का भी पैसा ले लेंगे ये हमसे यहाँ गांव में। गाइस अभी जो मैं आपको खूबसूरत सा सूरज दिखा रहा था वो सामने राइट हैंड साइड में अब ऊपर उठ चुका है। 7.4 किलोमीटर्स मोर टू गो एंड पहाड़ी इलाका होने के कारण कर्व्स हमें यहाँ हर जगह ही मिलता है और इन कर्व्स का ही असली मज़ा है राइडिंग में। द ओनली थिंग इज कि रोड खाली रहे। 6 किलोमीटर्स मोर टू गो और ये सुमित भाई का हमेशा का पंगा रहता है भाई कि जल्दी जाना है जल्दी जाना है जल्दी जाना है। इसके आप ये पहाड़ देख सकते हो, मुझे नहीं पता आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। हाउ मच क्लियर इज द विजन फॉर यू इन दिस फुटेज, बट मैं तो देख पा रहा हूँ यार एंड ट्रस्ट में आई लव दिस माउंटेन्स यार। इन माउंटेन्स के बीच में अब हम एंटर करने वाले हैं। पिंड्रा इज द नेम ऑफ दिस प्लेस और इस पिंड्रा के इस टर्न से हल्का सा लेफ्ट टर्न है, यहाँ से हम ये मुड़े और ये पहाड़ों के बीच में घुस रहे हैं। 300 मीटर पे हमें राइट टर्न लेना है और जो व्यू है बहुत खूबसूरत है दोस्त। इन जंगलों के बीच में सुबह सुबह घुसने का अलग ही आनंद है। इन पहाड़ों के बीच में प्लेस है, आई रियली लव दिस प्लेस। बहुत पहाड़ों से बिल्कुल चिपक के ये वाली रोड है एंड काइंड ऑफ ये घाटी वाली क्षेत्र है। बहुत बड़ी घाटी नहीं बट छोटी घाटी, क्योंकि नीचे आप देख सकते हो नीचे गड्ढा है और हम ये पहाड़ों के बीच से आगे बढ़े जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो माउंटेन आपको दिखा रहा था मैं, उस माउंटेन के बगल से हम गुजर रहे हैं यार। क्या टर्न्स है, क्या कर्व्स है यार। आई होप मेरे साथ कुछ राइडर्स मेरे ऐसे होते तो मज़ा आ जाता। आई रिमेम्बर गोइंग ऑन दिस रोड लास्ट टाइम विथ राहुल एंड शर्मा जी, तो दे वेर विथ मी ऑन दैट पुराना डैम राइड इसी रोड पे और हमने इन कर्व्स के असली वाले मज़े लिए थे साथ में। तो जब तक पार्टनर जैसे वैसे साथ में राइडर्स नहीं होते हैं तो थोड़ा सा जो है आप अकेले जाते हो, बट वही अगर आप ग्रुप में जा रहे हो अपने टाइप के राइडर्स के साथ तो सोने पे सुहागा लग जाता है दोस्त।
आफ्टर टू डेज यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है जिसकी ये तैयारी चल रही है। आप देख सकते हो दिस इज़ लुबुबुरु जो यहाँ पे 8 तारीख को है। ये लुबुबुरु मेला यहाँ लगता है ईयरली बेसिस पे और ऊपर 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहाड़ के ऊपर माउंटेन के बीच में एक मंदिर है जहाँ लोग रात के वक्त ट्रेक करके पैदल जाते हैं ऊपर और सुबह तक पहुँच के वहाँ पूजा करके वापस रिटर्न होते हैं। तो कल से ये सारे रोड में बैरिकेशन भी लग जाएगी, स्लो रोड में लोगों को आना बंद भी हो जाएगा। इट्स काइंड ऑफ यहाँ का ट्राइबल चीज़ है और लोग उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एंड बहुत भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तब हम पहुँचने वाले हैं ललपनिया वाटरफॉल। गाइज आपको हम दिखाते हैं ललपनिया वाटरफॉल। ये आप देख सकते हो सामने यहाँ आपको दिख रहा है हमारा ललपनिया वाटरफॉल। छोटा सा और खूबसूरत सा ये वाटरफॉल है, बहुत बड़ा नहीं है बट है बहुत खूबसूरत। वहाँ पर बाइक लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ से घुमा के चलते हैं वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, और ये है सामने का व्यू हमारा ललपनिया वाटरफॉल का। बाइक उतारना नहीं है भाई हमें, लोग यहाँ नहा रहे हैं। दैट इज लुगु बाबा लुगु आयो। तो ऊपर जो मैं मंदिर के बारे में बात कर रहा था डेट इज लुगु बाबा मंदिर। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन